नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पश्चिम बंगाल की सियासत में बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होते ही बयानों का तूफान आ गया है। टीएमसी ने उन्हें बूढ़ा और बिना जनाधार वाला नेता कहा है, तो मिथुन ने पलटवार किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने टीएमसी से पूछा कि वो बीजेपी में चले गए हैं इसलिए उन्हें फ्लॉप बताया जा रहा है, तो क्या ममता की पार्टी में रहकर सियासी सुपरस्टार बन जाते? हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिथुन दा। मिथुन दा, बीजेपी में आप आ गए, प्लान क्या है दादा आगे का, क्या करेंगे दादा? प्लान तो हम नहीं बता सकते क्योंकि प्रोटोकॉल हम मानते हैं, प्रोटोकॉल के आगे तो बात नहीं करूंगा। जो हमें कैलाश जी, दिलीप झा जो बोलेंगे या ऊपर से नड्डा साहब इन लोग जो बताएंगे उस तरह से चलूंगा। सर दादा, सुनार बंगला को लेकर रोजाना बात चीत हो रही है सभी मंचों पर, चाहे वो बीजेपी और टीएमसी। सुनार बंगला को लेकर आपका क्या विजन है? पश्चिम बंगाल के लोगों को लेकर आपका क्या विजन है? मेरा जो विजन तो एक ही है, सब बोलते हैं, लेकिन मेरा तो विजन से 18 साल उम्र से ही है कि बस गरीबों को हक दूँ, गरीबों को अपना सम्मान से जीना सिखाऊँ, सम्मान के साथ। क्योंकि हमें मालूम है भाई, ये भूख क्या चीज़ है, ये छत क्या, ये अपमान क्या, ये लंचना, ये जलील। हम तो जिंदगी जिए हैं, हर रोज जीना जीना है मेरे को। तो मैं चाहता हूँ कि बस मेरे बंगाल के लोगों को देखो, एक होता है ना, अब जहाँ पैदा होता हूँ वहाँ आपकी नाड़ी के टान होते हैं ना, हम लोग जो बोलते हैं नाड़ी टान बंगाली में, तो वो तो लगी हुई है, वो तो गई नहीं कहीं। तो कोशिश है एक, और सुनार बंगला की जो बात कर रहे हैं कि वंस अपॉन ए टाइम हम जब बड़े हुए तो हम देखते थे कि बंगाल वॉज एन एग्जाम्पल टू ऑल स्टेट। सो आई फील पर्सनली के वी लॉस्ट दैट चार्म, सो वी हैव टू गेट बैक दोज डेज, एटलीस्ट ट्राई टू गेट बैक दोज डेज। और बात है गरीबों की, गरीबों की बात तो सभी करते हैं, हर पार्टी करते हैं, हम गरीबों के लिए करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे। तो हमने सोचा चलो और एक बड़े पैमाने में ट्राई करें। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने दीजिए, जिसको जो चाहे बोले, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम किसी के बारे में बुराई नहीं करते। 12 मार्च से आप कैंपेन अपना शुरू करने वाले हैं, कल जब से आपने ज्वाइन किया तब से टीएमसी के नेता लगातार हमलावर कह रहे हैं कि आप ओल्ड हो गए हैं। हाँ, हम ओल्ड हो गए, सच्ची तो हम ओल्ड हो गए, हम फ्लॉप हैं, फिर हमारा कोई नाम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सब सच बोल रहे हैं। अभी ये पब्लिक डिसाइड करेगी। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर कैंपेन में उतरूंगा, अगर लोग नहीं आए तो 5-6 लोगों को यहाँ से पकड़ के लेके जा रहा हूँ, और भागेगा तो पकड़ लूँगा, भाई मेरा सुन के जाना। तो अगर ऐसा है तो क्या, वही सोच रहा हूँ कि अगर लोग नहीं आए तो क्या करूँगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं सब। हर चुनौती स्वीकार होगी, हर चुनौती, हर जिंदगी लड़ा हूँ। लेकिन क्या है कि अगर यही मैं बोलता मैं टीएमसी से सपोर्ट करता हूँ, ये सब बातें कल चेंज हो जाती कि मैं ही सुपरस्टार हो जाता फिर से, मैं सब कुछ दे, तो चलता रहेगा। इसका नहीं होगा तो उसको बुरा लगेगा, इसका नहीं तो इसको। मैं खाली इतना बोलता हूँ, मैं इतना इंपॉर्टेंट आदमी नहीं हूँ, तो अपना वक्त क्यों ज़ाया कर लो, क्यों इवन कमेंट पास करो जब मैं ख़त्म ही एकदम जीरो आदमी हूँ। तो व्हाई आर यू सो वरीड अबाउट मी, फॉरगेट मी, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मी। और ये बात करते हैं बुलेटबाज शी की। चीन एक तरफ तो भारत से दोस्ती की बात करता है, संबंध सुधारने की वकालत करता है, दूसरी तरफ चीन बुलेट वाली साजिश रच रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश से 50 किलोमीटर दूर बुलेट ट्रेन दौड़ाने जा रहा है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा से होते हुए चीन की ये बुलेट ट्रेन अरुणाचल प्रदेश के करीब तक पहुंचेगी। जानकारों का मानना है कि सीमा यान LAC के करीब बुलेट ट्रेन दौड़ाना चीन की रणनीतिक तैयारियों का हिस्सा है, जिससे वो जंग की स्थिति में बढ़त लेने की फिराक में रहेगा। बॉर्डर के करीब चीन की बुलेट साजिश, तिब्बत में बुलेट ट्रेन से खतरे की घंटी, शी जिनपिंग का सीमा पर रेल वाला खेल। गलवान के बाद पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच लंबे समय तक विवाद के बाद अब माहौल शांत है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख से पीछे हट चुकी है,
दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद स्थिति सामान्य है। यही नहीं, चीन के विदेश मंत्री के ताजा बयान के मुताबिक सीमा विवाद अपनी जगह है, लेकिन चीन भारत को अपना दोस्त मानता है। चीन एक बार फिर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद करना चाहता है, तो भारत भी हमेशा की तरह सीमा पर शांति का ही पक्षधर है। लेकिन सवाल ये कि क्या चीन वाकई सुधर गया? क्या भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद चीन की अक्ल ठिकाने आ गई? शायद नहीं। एक तरफ पूर्वी लद्दाख से पीछे हटने के बाद चीन की सेना डेप्सांग में डेरा जमाए हुए, तो दूसरी तरफ तिब्बत के सहारे चीन LAC पर भी रणनीतिक बढ़त बनाए रखना चाहता है। चीन लंबे समय से भारतीय सीमा के आसपास अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगा हुआ है, और इसी कड़ी में उसने तिब्बत के ल्हासा तक बुलेट ट्रेन लाने की तैयारी भी पूरी कर ली है, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक जाएगी। चीन ने LAC के करीब से होकर गुजरने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत 2014 में की थी। चीन की योजना पूर्वी तिब्बत के ल्हासा के साथ नियिंगची को भी जोड़ने की थी, तो चीन ने इस काम को तेजी से पूरा किया, और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसी साल जुलाई तक करीब 450 किलोमीटर लंबी ये परियोजना पूरी हो जाएगी, और चीन बुलेट की रफ्तार से बॉर्डर तक अपनी पहुंच बना लेगा। इससे पहले कि हम आपको रणनीतिक लिहाज से अहम चीन की इस बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में बताएं, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि चीन की इस बुलेट ट्रेन से साजिश की बू क्यों आ रही। चीन की बुलेट ट्रेन तिब्बत की राजधानी ल्हासा से 435 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नियिंगची तक पहुंचेगी। नियिंगची रणनीतिक लिहाज से अहम इसलिए है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सबको पता है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताकर अपना दावा जताता रहा है। चाइना अभी एक बुलेट ट्रेन बना रहा है अपने ल्हासा तक, ल्हासा कैपिटल है तिब्बत का, और वो बुलेट ट्रेन इसलिए बना रहा है कि वो पहली बात है उसका टेरेन है, अलाउ करता है, वो प्लेटो है, सारा बनाना आसान है। दूसरी चीज़ ये है कि वो तिब्बत के ऊपर अपना होल्ड उसको कंसोलिडेट कर रहा है, उसके ऊपर मजबूती कर रहा है। उसको पता है कि किसी ना किसी आने वाले समय के अंदर तिब्बत उनके हाथ से निकल जाएगा, तो वो जल्दी से जल्दी वहाँ मूवमेंट करने के लिए, मोबिलाइजेशन करने के लिए वो अपने लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर रहा है। ल्हासा से नियिंगची तक चीन की बुलेट ट्रेन परियोजना को अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि तिब्बत में ये पहली बिजली वाली रेल लाइन होगी। यहाँ चीन की बुलेट ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। यही नहीं, इस नेटवर्क के साथ अभी चेंगदू से ल्हासा तक जो सफर 48 घंटे में तय होता है वो 13 घंटे का रह जाएगा। तो आपको बता दें कि नियिंगची इलाके पर चीन कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है, और इस बुलेट ट्रेन परियोजना के बाद सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू से नियिंगची तक 1000 किलोमीटर से भी लंबा रेल नेटवर्क बना रहा है ताकि मेनलैंड चीन के साथ अरुणाचल बॉर्डर का सीधा संपर्क बन सके। जाहिर है चीन बॉर्डर के करीब तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है, चीन LAC तक अपनी पहुंच आसान बनाने की दिशा में काम कर रहा है, तो तिब्बत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के साथ कनेक्टिविटी के लिए चीन एक पैसेजवे की योजना पर भी काम कर रहा है जिसमें तिब्बत का नेटवर्क अहम होगा। मसलन नेपाल तक रेलवे कनेक्टिविटी पर भी विचार किया जा रहा है। जो चाइना है वो रोड रेल कम्युनिकेशन जो है वो राइट अप टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक वो डेवलप कर रहा है, और ये आज से नहीं कर रहा, ये 80 से उससे भी पहले से कर रहा है। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं, 50 से 100 साल का प्लान बनाते हैं और आसा सा काम करते हैं। इसमें दो राय नहीं कि ल्हासा से नियिंगची तक चीन की बुलेट ट्रेन परियोजना भारत के लिए खतरे की घंटी है, जिसकी एक वजह है ये सैटेलाइट तस्वीर। सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि तिब्बत की राजधानी ल्हासा में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मिलिट्री बेस में बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है। ये तिब्बत के क्षेत्र में स्थापित चीन का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। इस सैन्य अड्डे पर पहली बार निर्माण कार्य अप्रैल 2020 में देखा गया था, जिसके बाद जनवरी 2021 में भी ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यहाँ निर्माण कार्य अब भी जारी है।
लहासा स्थित चीन के सैन्य अड्डे पर कई मिलिट्री प्लेटफॉर्म के अलावा गाड़ियों और तोपखाने को रखने के लिए नई सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इसके अलावा कई नए गैरेज और प्रशासनिक इमारतों का भी निर्माण किया गया है। सड़क मार्ग से जुड़े होने के बावजूद इस सैन्य अड्डे में 3 हेलीपैड बने हुए हैं। यहाँ भी हाल के समय में सुधार का काम किया गया है। लिहाजा भारत के साथ चल रहे मौजूदा सीमा विवाद और तनाव के बीच चीन के रेल वाले खेल पर भारत पल पल निगरानी रखते हुए रणनीतिक तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा हुआ। भारत भी इसके बारे में ये सोच रहा है। भारत भी अपने जो हमारे फॉरवर्ड एरिया जहां पॉसिबल हैं वहां रेलवे लाइंस उनको बनाई जा रही है, ब्रॉडगेज रेलवे लाइंस उनको डबल लेन भी किया जा रहा है जहां पर पॉसिबल है। बट हमारी साइड में आप देखेंगे जो टेरेन है वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर वो सारी की सारी बहुत रगेड माउंटेंस हैं और वहाँ पर इस किस्म के कम्युनिकेशन आप बना भी लो लेकिन उसको मेंटेन करना वो बहुत मुश्किल है। चीन साल 2020 तक हाई स्पीड ट्रेन का 37,900 किलोमीटर का नेटवर्क बना चुका है जिसे 2025 तक वो 50,000 किलोमीटर तक फैलाना चाहता है। तो 2035 तक हाई स्पीड रेल नेटवर्क 70,000 और पूरा सिस्टम 2,00,000 किलोमीटर तक करने का ब्लूप्रिंट है। इस रेल नेटवर्क का विस्तार दक्षिण पूर्व तिब्बत से मेन लैंड तक किया जा रहा है। यही नहीं, चिंघाई तिब्बत रेलवे के बाद तिब्बत में सिचुआन तिब्बत रेलवे भी सक्रिय हो रहा है। मतलब चीन से तिब्बत और फिर LSC तक शी जिनपिंग की सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। लेकिन चीन को भी यह अच्छी तरह मालूम है कि भारत भी LSC तक पहुंचने के रास्ते पर तेजी से काम कर रहा है। भारत भी हिमाचल प्रदेश के रास्ते रेल का जाल बिछा रहा है जो चीन के नापाक इरादों को मटियामेट कर देगा। चीन शायद ही अपनी चालबाजियों से बाज आए लेकिन भारत से मिली शिकस्त से चीन की सरकार बुरी तरह हिल गई है, ये तो तय है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन के विदेश मंत्री अब भारत से दोस्ती की बजाय बात कर रहे हैं लगातार कि अब जंग नहीं बल्कि बात हो जानी चाहिए, यही बेहतर है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत से चीन के रिश्ते बहुत पुराने हैं और इस रिश्तों में गर्माहट लाना वक्त की नजाकत है। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई चीन का हृदय परिवर्तन हुआ है? चीन के मित्र राग की हकीकत जानने के लिए यह रिपोर्ट आपके लिए देखना जरूरी है। भारत से मात खाने के बाद चीन का मित्र राग। China and India have broad common interests. दुश्मनी छोड़ चीन करने लगा अब दोस्ती की बात। डोकलाम की घटना के बाद पूर्वी लद्दाख दूसरा मसला है जिसमें चीन को अपने कदम वापस खींचने पड़े। दोनों ही मामलों में भारत का पक्ष मजबूत साबित हुआ। तो पूर्वी लद्दाख से वापसी के बाद चीन अब महीनों के तनाव से हुए संबंधों के नुकसान की भरपाई में जुट गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे लगता है कि चीन पूर्वी लद्दाख की कड़वी यादों को भुलाकर भारत के साथ सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वांग यी के तेवर ढीले नजर आए और वो भारत से दोस्ती की पैरोकारी करते दिखे। The China-India relationship is essentially about how the world's two largest developing countries get along and pursue development and rejuvenation together. As two ancient civilizations next door to each other and two major emerging economies, each with over 1 billion people, China and India have broad common interests and tremendous potential for cooperation. चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से टेलीफोन पर 75 मिनट लंबी बातचीत की थी।
तो चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने बीजिंग में चीन के उप विदेश मंत्री लियो झाओई के साथ बातचीत कर पूर्वी लद्दाख पर दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में बात की। ऐसे में अब चीन का हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद करना साबित करता है कि रणनीतिक मोर्चे पर टकराव से चीन को तगड़ा नुकसान पहुंचा है, चीन सेना की छवि को ठेस पहुंची है। यही नहीं, चीन को भारत से तनातनी की वजह से व्यापारिक नुकसान भी उठाना पड़ा है और दोनों देशों के संबंध सबसे खराब दौर में पहुंचे। सवाल नहीं समझता कि चाइना पे खास तौर से अब जब से पूर्वी लद्दाख में जो उसकी हरकती काल बन गई और पूरे उस क्षेत्र में उसके बाद चाइना पे भरोसा करना, ये काफ़ी समय लगेगा। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको भरने में दिखना ये है कि चाइना किस किस्म के कदम उठाता है, चाइना कितनी कोशिश करता है कि भारत को दोबारा से अपने संबंध उसी तरह बना ले जैसे पहले थे, ये चाइना के ऊपर निर्भर करता है। भारत से दोस्ती की कस्में चीन क्यों खा रहा है? गहराई में जाने से पता चलता है कि इसके पीछे भारत और अमेरिका का मजबूत होता संबंध भी एक कारण है। दरअसल ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर जैसे तमाम मुद्दों पर अमेरिका चीन की मुखालफत करता रहा है, तो दक्षिण एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बन चुका भारत भी इन मुद्दों पर चीन को घेरने में जुटा है। क्वाड से लेकर ऐसी तमाम कोशिशें हैं जिनसे शी जिनपिंग की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि भारत से उलझकर वो चौतरफा घिर जाए। चीन नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों से निपटने में उसे अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़े, लिहाजा चीन के तेवर अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। भारत वन चाइना पॉलिसी पे विश्वास रखता है और उसका वो ताइवान को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में नहीं मानता है, मगर साथ में ये भी है वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना सेना की मदद से ताइवान पे कब्जा करे, इसके वो खिलाफ है। वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी वहाँ जो हो रहे हैं या जिस तरीके से हांगकॉन्ग में हो रहे हैं वो भी भारत को कि आम जनता उसका उसको नकारती है, उसको पसंद नहीं करती। हालांकि चीन जैसा देश वैसा भेष वाली नीति पर काम करता है, वो मौके की नजाकत को भांपते हुए अपना नकाब भी बदलता रहता है, लिहाजा उस पर पूरी तरह भरोसा करना खतरा मोल लेने जैसा है। तो शायद यही वजह है कि भारत कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर चीन से संवाद तो कर रहा है लेकिन उसकी चालबाजियों पर भी पैनी नजर रखे हुए है। चीन सेना की हर हरकत पर ध्यान देने के साथ भारत अपनी सैन्य तैयारियों को पुख्ता कर लेना चाहता है ताकि भविष्य में चीन की किसी भी जरूरत का माकूल जवाब दिया जा सके। भारत जो है इस विवाद के चलते हुए उसके घनिष्ठ संबंध अमेरिका से होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि और घनिष्ठ संबंध हो गए हैं, जो वो नहीं चाहता कि भारत अमेरिका से इस तरह के संबंध बनाए और एक बड़ी शक्ति के रूप में और इमर्ज हो जाए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। गेंद अब चीन के पाले में, चीन चाहे तो सीमा पर शांति बनी रहेगी, चीन अगर कोई नापाक हरकत ना करे तो सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन बातचीत की आड़ में अगर चीन ने कोई चाल चलनी चाही तो तनाव फिर से पैदा होगा, तलवारें फिर से खींचेंगी और दोनों देशों के आपसी संबंध एक बार फिर खराब भी हो सकते हैं।